हेलो एवरीवन। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। देखो मॉड्यूलेशन आपको पता है क्या होती है। मॉड्यूलेशन में क्या होता है, हमारा जो मैसिव सिग्नल होता है उसको हम सुपर इम्पोज करते हैं कैरियर वेव या कैरियर सिग्नल के ऊपर, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये तीन टाइप की मॉड्यूलेशन होती है। एक होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है, इसमें एम्पलीट्यूड वेरी करेगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी। और फेज मॉड्यूलेशन मतलब यहाँ पर फेज वेरी करेगा। अब देखो ये फेज मॉड्यूलेशन आपके पास सिलेबस में नहीं है, ये आगे हायर क्लासेस में जाओगे तब आप पढ़ोगे। अभी हमें जो करना है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करना है। तो देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ सुपर इंपोजिंग द मैसेज सिग्नल ओवर कैरियर वेव। देखो ये तो मॉड्यूलेशन की बात हो गई कि जो प्रोसेस होती है सुपर इंपोज करना मैसेज सिग्नल को किसके ऊपर, कैरियर वेव या कैरियर सिग्नल के ऊपर। टू चेंज द एम्पलीट्यूड, अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या आ गया, टू चेंज द एम्पलीट्यूड। अब जब हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, टू चेंज द फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर क्या है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कि एम्पलीट्यूड चेंज होगा, टू चेंज द एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड चेंज होगा यानी कि इसमें फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट रहेगी। अब देखो इस चीज को समझते हैं। देखो यहां पर इस डायग्राम से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी सारी कहानी। देखो ये मैंने मैसी सिग्नल बनाया है यहाँ पर, ये हमारा मैसी सिग्नल जिसमें इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब इसको हम सुपर इम्पोज करेंगे किसके ऊपर, कैरियर वेव के ऊपर। ये हमारी कैरियर वेव है। अब ये देखो बनाना कैसे है, वैसे समझो आप। देखो जैसे आपने मैसी सिग्नल बना लिया, उसके बाद ये लाइंस बना देनी है आपने इधर लंबी लंबी, ठीक है। और फिर आपने ये चीज़ देखनी है कि जब आप कैरियर वेव बनाओगे तो यहाँ पर ये मैंने सिर्फ आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ये दो साइकिल्स आनी चाहिए। देखो ये एक साइकिल और फिर ये दो साइकिल, ऐसे ही अगले में दो साइकिल्स आएंगी, फिर अगले में दो, देख रहे हो ना ये वाले इंटरवल्स में, और फिर अगले में दो साइकिल्स बनाई हुई है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी सेम कैसे, जैसे मान लो ये वाला इंटरवल है, इसमें कितनी साइकिल्स हैं, दो साइकिल हैं, समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। तो ये जो दो साइकिल है हमारी, तो यहाँ पर भी कितनी रहनी चाहिए, जब हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा, जब सुपर इम्पोज हो जाएगा उसके बाद जो सिग्नल बनेगा उसमें भी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो कितनी की रहेगी, दो की ही रहेगी, समझ रहे हो बात। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आया, दो साइकिल पास हो रही है ना इतने इंटरवल में। ये देखो ये एक साइकिल पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये दूसरी साइकिल, ठीक है ना। तो दो की फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी दो की रहेगी, लेकिन एम्पलीट्यूड वेरी करेगा। देखो एम्पलीट्यूड कैसे वेरी करेगा, ये चीज़ को समझते हैं। देखो दो साइकिल ही रहनी है, दो साइकिल ही रखेंगे, लेकिन एम्पलीट्यूड देखो, जब यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल है मैसेज सिग्नल की, तो यहाँ एम्पलीट्यूड देखो किस तरीके से इंक्रीज होगा, इस तरीके से ये इंक्रीज होगा। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट साइकिल और ये वाली आ गई हमारे पास सेकेंड साइकिल। आई बात समझ में कैसे बना रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर देखो आई नेगेटिव साइकिल ये वाली, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये सेम ही रहेगी, दो की ही रहेगी, मतलब दो साइकिल्स आएंगी यहाँ पर, लेकिन ये नेगेटिव आ गया तो ये एम्पलीट्यूड क्या होगा, अब कम हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से ये हमारे पास एक साइकिल और ये हमारे पास दूसरी साइकिल, इस तरीके से दो ही बनानी है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कॉन्स्टेंट रखनी है। यहाँ भी दो दो के चल रहा है तो यहाँ भी दो का ही चलाओगे आप, ठीक है। आगे फिर पॉजिटिव आ गई तो फिर यानी कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है तो एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये बन गई हमारे पास फर्स्ट वेव इसकी, और ये इंक्रीजमेंट में हमारे पास ये दूसरी वेव बन गई इसकी, ठीक है। फिर देखो नेगेटिव आया तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा। तो ये देखो हमारे पास एक साइकिल और फिर ये दूसरी साइकिल, इस तरीके से ये आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल बना है, ठीक है। तो हम इसको मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोल दें, ठीक है, जो कि आफ्टर मॉड्यूलेशन बना है हमारे पास, या मॉड्यूलेटेड वेव बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। और देखो ये यहाँ पर जो हमने AM लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है और ये है कैरियर का एम्पलीट्यूड, AC कैरियर का एम्पलीट्यूड। ये चीज़ याद रखनी है, कैरियर का एम्पलीट्यूड हमेशा ज़्यादा रहेगा, हमेशा किससे, एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल से, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो इसको हम किस तरीके से बना देंगे, यहाँ पर थोड़ा इस तरीके से बनाएंगे, ये देखो इस तरीके से बनेगा, ये आपके पास यहाँ से भी नीचे से भी यही चीज करोगे, ऐसे ये ऐसे, ठीक है। इसके सरफेस से ऊपर जैसे ये वेव्स है ना, ये वाली वेव्स, इनके बिल्कुल सरफेस से ऐसे निकाल लोगे। तो ये देखो ये बन गया आपके पास एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल, आ रहा है समझ में किस तरीके से बनाया है हमने, ठीक है। तो इसी चीज़ के नंबर मिलने हैं मॉड्यूलेशन में आपको, जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आ गया तो ये डायग्राम बने होने चाहिए। मैंने बनाने का तरीका भी बता दिया आपको, पहले नॉर्मल आप एक मैसेज सिग्नल बना दो, फिर लंबी लंबी लाइंस लो यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर भी ये वाले आप एक्सिस बना लो, कोऑर्डिनेट एक्सिस, इस तरीके से, ठीक है, वेवफॉर्म बनाने के लिए। तो जब ये चीज़ बना लोगे, ये लंबी लाइंस आपको खींचनी पड़ेंगी, तब बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो आप दो दो वेव यहाँ बना दो, दो दो वेव इधर, दो दो वेव इधर, दो दो वेव इसमें। फिर आपने फ्रीक्वेंसी सेम ही रखनी है, मतलब दो वेव की, बस पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव वाले ब्लॉक में आपने क्या करना है, इंक्रीज कर देना एम्पलीट्यूड, नेगेटिव वाले के लिए ब्लॉक में यहां पर डिक्रीज कर देना एम्पलीट्यूड, फिर पॉजिटिव में इंक्रीज, फिर नेगेटिव में डिक्रीज। फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी वेव की, जो दो दो की हमारी चल रही है। आई बात समझ में इतनी, ठीक है, बना लोगे इसको। तो ये था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब इसमें देखो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आती है एक टर्म आपके पास, ये क्या होती है, देखो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर, मतलब जो मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो, और नीचे अपॉन में क्या जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। तो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड AM था और कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड AC था, ये मैंने आपको बताया। इसको हम म्यू से लिखते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स को, क्लियर है इतनी बात, ठीक।
और ये हमेशा लेस देन वन होना चाहिए, ये हमेशा लेस देन वन ही आएगा, ठीक है। देखो क्यों आएगा लेस देन वन, सोचने की बात है। देखो आपको भी मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो कम ही होगा, जैसे मान लो वो 4 है, ठीक है, और जो कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो हमेशा ज़्यादा ही होगा, जैसे मान लो ये 6 है तो ये 2 2 2 3 2/3 तो ये 0.66 ऐसे समझ जाएगा, तो ये 1 से हमेशा लेस ही आएगा। क्यों? क्योंकि नीचे जिससे आपको डिवाइड करना है ये हमेशा ज़्यादा रहेगा और ऊपर वैल्यू कम रहेगी, तो हमेशा ही जो आंसर आएगा वो आपका हमेशा 1 से लेस ही आने वाला है, क्लियर है। तो ये चीज़ याद रखनी चाहिए आपको कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 ही होगा, क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जैसे मैंने आपको बताया एम्पलीट्यूड में तो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा था मॉड्यूलेशन में, अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो यानी कि एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग द मैसेज सिग्नल ओवर कैरियर वेव टू चेंज द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये तो प्रोसेस ही हो गई मॉड्यूलेशन वाली की, हम मैसेज सिग्नल को किस पर रखते हैं, कैरियर वेव पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो, तो इसलिए लिखा हुआ है कि टू चेंज द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ये सेम आपको ऐसे ही बनाना है जैसे आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बनाया मैसेज सिग्नल और कैरियर वेव। देखो मैसेज सिग्नल वैसे ही बना दिया और कैरियर वेव भी वैसे बना दी, दो दो के लिए, ठीक है ना, एक एक इंटरवल में दो दो वेव्स बनाई है हमने, ठीक। तो यहाँ पर अब हमें बनाना है इसमें मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है। मॉड्यूलेटेड वेव कैसे बनेगी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में वो देखनी है। एम्पलीट्यूड मैंने क्या बोला है आपको, सेम रहेगा, तो वेरी क्या करेगा फिर, फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी वेरी करवानी है, देखो पहले में क्या है, 2 है, यहाँ पर अगले में भी 2 2 2। अब हमें कैसे करना है इसमें, देखो जैसे पॉजिटिव है यहाँ मैसेज सिग्नल पे, ये क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बढ़ा देंगे यहाँ मॉड्यूलेटेड में, और नेगेटिव है तो ये वाली फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर घटा देंगे, समझ रहे हो बात को। जैसे एम्पलीट्यूड में एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे थे और घटा रहे थे, यहाँ पर हमें क्या बढ़ानी है, पॉजिटिव में फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है और नेगेटिव में फ्रीक्वेंसी को घटाना है। तो देखो वैसे ये 2 2 का है तो हम यहाँ पर कितनी फ्रीक्वेंसी के लिए ले लें, वे 4 के लिए ले लेते हैं, ठीक है, बढ़ा देते हैं, पॉजिटिव है तो 4 के लिए, लेकिन एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड हमें सेम ही रखना है, तो ये देखो 1 वेव, फिर ये बना दी हमने 2 वेव, और फिर ये 3 वेव, और ये वाली हमारे पास बन गई 4 वेव। कितनी बात समझ में आई, ठीक है। देखो एम्पलीट्यूड नहीं हम वेरी करवा रहे, फ्रीक्वेंसी वेरी करा रहे हैं, देखो 2 का था तो यहाँ 4 बना दी, अब अगली में भी यहाँ 2 है लेकिन नेगेटिव है ऊपर मैसेज सिग्नल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें डिक्रीज करनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी। देखो 2 की चल रही है तो 1 बना देते हैं हम इस तरीके से, लेकिन आपको एम्पलीट्यूड जो होगा वो कॉन्स्टेंट ही रखना है, ठीक है। फिर पॉजिटिव है, पॉजिटिव में फिर हम ये 1, फिर ये हमारे पास 2, फिर ये हमारे पास 3, और ये हमारे पास 4, ठीक है। एम्पलीट्यूड सेम रखा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी, 4 कर दी, ठीक है। अगले में देख लो नेगेटिव है तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो हम कितनी कर दें यहाँ पर 1 का कर देते हैं, क्योंकि 2 है कैरियर में, तो यहाँ पर हमने ये इस तरीके से कर दिया, ठीक है। चीज़ समझ में आ रही है, देखो फ्रीक्वेंसी की ये चीज़ जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर समझाई है, ये इसलिए समझाइए ताकि ये आपको ढंग से पता चले कि क्या हो क्या रहा है। वैसे आपको फ्रीक्वेंसी पता ही है कि 1 सेकंड में जितनी नंबर ऑफ वेव्स जाती हैं वो फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे 1 सेकंड में यहाँ पर कितनी जा रही है, 2, तो 2 फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर मैंने ब्लॉक वाइज आपको समझाई है कहानी ताकि आपको यहाँ समझ में आए इजिली कि है क्या चीज़, समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है और यहाँ पर क्या वेरी कर रहा है हमारे पास, एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉड्यूलेटेड वेव आ गई, कौन सी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से, ठीक है। तो मॉड्यूलेटेड वेव लिख देते हैं यहाँ पर, या मॉड्यूलेटेड सिग्नल बना लोगे, ये इजी है बहुत ही, ठीक है। बस समझ में आनी चाहिए कहानी की क्या है, बाकी कुछ भी नहीं है, सिंपल सी कहानी थी, ठीक है। तो यानी कि अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है तो ये सिग्नल ट्रांसमिट होगा, और अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है तो ये वाला सिग्नल ट्रांसमिट होता है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है, क्योंकि जो मैसेज सिग्नल होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो रिसीवर तक जा सके, ठीक है, बीच में ही क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम कैरियर वेव के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं उसको और फिर भेजते हैं, तो ये वाला सिग्नल बनता है फिर जो ट्रांसमिट होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में ये वाला और एम्पलीट्यूड वाले में ये वाला ट्रांसमिट होता है, ठीक है। कर लोगे इसको, सिंपल ही था, ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में ब्लॉक डायग्राम करेंगे ट्रांसमीटर का और रिसीवर का, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।